श्री महामति कहे ए मोमिनो ए शरत करो याद फिर लाल आगे की कहूं जो झगड़े को बुनियाद जो झगड़े को बुनियाद हजरते हज इत करी अचरती धाम दिनी श्री लल्दास जी के धाम हृदय से उस प्रसंग का वर्णन करवा रहे हैं जब श्री जी के साथ 500 की जमात सब कुछ अपना घर द्वार छोड़कर अखंड आनंद को प्राप्त करने की राह पर चल पड़ती है। इसको कहते हैं कूच करे दारुल मक्का हजरते हज इत करी लेने को मक्का फतेह करी दज्जाल की कूच किया दारुल मक्का। कुरान के अंदर एक जाहिरी किस्सा आता है घटनाक्रम अरब के अंदर जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के द्वारा कुरान के आयतों का अवतरण शुरू हो गया और उन्होंने सारे अरब वासियों से कहा कि देखो एक अल्लाह ताला की भक्ति करो ये तुमने न जाने कितने सैकड़ों बुतों को अपना इष्ट बना रखा है ये उचित नहीं। सारी दुनिया का रब्बिल अलमीन एक अल्लाह ताला है उसके सिवा कोई भी पूज्य नहीं है। लोगों को बहुत बुरा लगा क्योंकि उस समय पूरा अरब देश बुत परस्त था। सच पूछा जाए तो उस समय में भी पौराणिकता का प्रसार था और किसी न किसी रूप में पौराणिक शिव की वहां पूजा हुआ करती थी। न जाने कितने बुत थे यूसुफ की मरियम की और अनेकों प्रकार के पत्थरों की भी पूजा हुआ करती थी। उनकी बात को कौन सुनता इतना विरोध होने लगा। उनके चाचा अबू जाल ने मोहम्मद साहब को मरवाने तक की कोशिश की। मोहम्मद साहब को छिप करके मक्के से मदीना जाना पड़ा था। एक रात गुफा में भी छिप कर बचना पड़ा था। उनको मारने के लिए लोग तलवार लेकर गुफा के दरवाजे तक आए थे लेकिन एक मकड़ी ने उसी समय जाला बना दिया था। उन्होंने सोचा कि इसके अंदर कोई गया होता तो मकड़ी का जाला नहीं होता। मोहम्मद साहब किस तरह से मदीना पहुंचते हैं और मदीने में उनके काफी अनुयायी हो जाते हैं। वहां से सेना तैयार की जाती है और फिर मक्का पर हमला किया जाता है। मक्का उनके अंदर उनके अधीन हो जाता है और तब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के के 300 बुत फेंकवा दिए और एक अल्लाह ताला की बंदगी का नियम बना दिया कि कोई भी अल्लाह ताला के सिवाय किसी की भक्ति नहीं करेगा। यानी मक्का और मदीना दोनों पर मोहम्मद साहब का अधिकार हो गया। यही बातिनी घटनाक्रम घटना है। हजरत कौन है श्री प्रार्थना जी। हज करने का तात्पर्य क्या है मक्के से मदीने को जाना। मक्के पर कब्जा करने के लिए मदीने को गए
हजरते हज इत करी लेने को मक्का फतेह करी दज्जाल के। जैसे पूर्व कथानक में दज्जाल कौन है? अबू जहल। यहाँ दज्जाल कौन है? जो बिहारी जी के अंदर अज्ञान बैठा हुआ है। बिहारी जी का जीव दज्जाल का कार्य कर रहा है लेकिन उनकी आत्मा नहीं, आत्मा तो परम धाम की है। फतेह करी दज्जाल की कूच किया दारुल मक्का। मदीना है सूरत। जिस तरह से मदीने के अंदर सूरत के अंदर श्री प्रामनाथ जी के 500 सुंदर साथ इकट्ठा हो गए, अब तक क्या माना जा रहा था कि जो बिहारी जी महाराज गादी पर विराजमान है ये अक्षर अतीत है। अब सब सुंदर साथ ने फतेह करी दज्जाल को, इस अज्ञानता की भ्रांति को हटा दिया कि गादी के अंदर अक्षर अतीत की बैठक होती है। सबने क्या मान लिया कि अक्षर अतीत कहां बैठे हैं? महामति जी के धाम हृदय में। कूच किया दारुल बका। दारुल बका क्या है? अखंड परम धाम। मेहंदी हटा कर दई घर इमाम बताई राह, पहुंचे अर्स मेराज में हंस मिलिया रूही खुदा। महामती जी के साथ जो सुंदर साथ हुए पन्ना जी तक पहुंचे, उन्होंने क्या पाया? यही बैठे बैठे चाको तिल जिन भात सो तसो मिले तिलवित, मन चाया स्वरूप हो के कारज के सबसित। जिसके मन में जैसी भावना थी, कोई सतगुरु धन देवचंद जी के रूप में देखना चाहता है, श्री महामती जी का तन अदृश्य हो जाता है, वहां सतगुरु धन श्री देवचंद जी दिखाई देने लगते हैं। कोई परम धाम का युगल स्वरूप देखना चाहता है तो परम धाम के युगल स्वरूप दिखाई देते हैं। कोई ब्रज और रास का स्वरूप देखना चाहता है तो उनको ऐसा ही स्वरूप दिखाई देता है। कोई मोहम्मद साहब को देखना चाहते हैं तो मोहम्मद साहब दिखाई देते हैं। अपने अपने भावों के अनुसार सबने देखा। इसको कहते हैं पहुंचे अर्श मेराज में हंस मिलिया रूहे खुदा। अर्श मेराज में, जो अर्श में अर्श है वही दारुल बका है। अपने धाम हृदय में सबने बैठे हुए अपने प्रीतम को देखा, हंस मिलिया रूहे खुदा है। और हंसते हुए रूहे अपने प्रीतम से मिली, उनको मेराज हुआ। कूच करे दारुल बका का यही अर्थ है। यानी सब सुंदर साथ अपने घर द्वार के संसारिक जीवन को छोड़कर अब श्री प्राणनाथ जी के चरणों में आ चुके हैं। अब यहां से जागने का दौर शुरू होता है और सब धीरे धीरे एक 5000 की जमात पन्ना जी तक पहुंचेगी। और वहां जो लीला हुई जिसमें सबने अपनी इन आंखों तक से युगल स्वरूप को देखा, और ये लीला शुरू हो जाती है उदयपुर से। उदयपुर से दर्शन लीला प्रारंभ हो जाती है। यानी जब श्री जी चर्चा कर रहे होते हैं रांची का वेश, सुंदर साथ को दर्शन देने लगता है उनके भाव के अनुसार। सुर असुर सबों को एपति, सब पर एक दया, दे दीदार सबन को साई, जिन्हों जैसा चिन्हिया। जिसने जिस रूप में पहचाना था उसको उस रूप में रांची दर्शन देने लगते हैं। यही बात इन्हीं भाव है इसका कि जिसने प्राणनाथ जी के धाम के स्वरूप में अक्षर अतीत को पहचान लिया, अब उसको रुई की गादी से कोई भी मतलब नहीं रह गया। अब श्री जी किसी को नहीं कहेंगे कि नौतनपुरी जाइए, वहां बिहारी जी महाराज गादी पर बैठे हैं, वो धाम देनी है। समाज में यही बड़ी भ्रांति है कि गादी पर बैठने से शक्ति आ जाती है, उसमें कोई शक्ति नहीं होती। जब बिहारी जी जो सदगुरुदेव देवचंद जी के प्रत्यक्ष पुत्र हैं, उनके अंदर किसी तरह की मेहर नहीं हो सकती, तो आज कोई व्यक्ति गादी पर बैठकर यह सोचता है कि मैं सदगुरु धन श्री देवचंद जी या प्राणनाथ जी के बराबर हूं या बाबा दयाराम के बराबर हूं, तो ये कुरम ब्रह्म है। ब्रह्म सृष्टियों का दिल ही धनी का अर्श होता है। ऊपर तले अर्श न गया, अर्श गया मोमिन कलो। अपने दिल की सज्जा पर अक्षर अतीत को विराजमान करना होता है। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, इत आए करो आराम, सेज बिछाई रुच रुच के यही तुम्हारा आराम। जब तक हम अपने अर्श दिल को सज्जा के रूप में नहीं मानेंगे, अर्श दिल के रूप में अपनी सज्जा तैयार नहीं करेंगे, तब तक अक्षर अतीत के चरण कमल कहां से आएंगे और हमें अक्षर अतीत का दीदार भी नहीं हो सकता। पूरी वाणी का संक्षिप्त रूप में एक चरण में कहा जा सकता है, हक नजीक से रख से। आत्मा जहां भी हो उसका दिल ही धनी का धाम है। और घूम फिर करके अपने धाम मंदिर में, धाम हृदय में युगल स्वरूप का दर्शन करना होता है। श्री जी के चरणों में जो भी सुंदर साथ आए उनके तारतम ज्ञान के प्रकाश में सबने अपने धाम हृदय में युगल स्वरूप को देखा और श्री महामती जी के तन की जगह युगल स्वरूप को बैठे हुए देखा।
यही जागनी है और इसको कहते हैं फतेह करी दज्जाल की। दज्जाल कौन है? वो अज्ञानता का बंधन, जो गादी को अक्षातीत माने बैठे थे। किस गादी पर जो बैठ जाएगा वो अक्षातीत हो जाएगा। और मोटे तौर पर कहेंगे कि बिहारी जी महाराज गलत कार्य कर रहे थे, कमलिया के राजा से मरवाना चाहे, हर जगह चुगली करवाए, तो हम खींच में कह सकते हैं कि हाँ बिहारी जी दज्जाल हैं, लेकिन ये शोभनी नहीं होता, क्योंकि उस तन के अंदर परमधाम की आत्मा विराजमान है। उस तन से वैसी ही लीला होनी थी। हाँ, जो अज्ञान का बंधन था, फतेह करी दज्जाल को, उसको जीत लिया गया। यानी बिहारी जी महाराज को गादीपति होने के नाते अच्छातीत मानने का जो अज्ञान था वो समाप्त हो गया, और सबने पहचान लिया कि श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप में अच्छातीत हमारे साथ हैं। उनके चरणों की सानिध्यता से सबने अपने धाम हृदय को धाम बनाया, अपने धाम हृदय में ईवल स्वरूप को पा लिया। अब कौन कौन उनके साथ चले? जो उनके साथ चले उन्होंने अपना घर द्वार हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। श्री जी के साथ चले उनकी भौतिक तन की अर्धांगिनी बाई जी, जिसको तेज कुमारी नाम था, पूर्वजन्म में फूलबाई की आत्मा जिसमें इंद्र अमलावती की वासना थी, और बिहारी जी की कृपा से उस तन को छोड़ना पड़ा था। उस तन को छोड़कर तेज कुमारी का तन पकड़ा था और इस लीला में अर्धांगिनी की भूमिका निभाती हैं। वो सब चले, भीम भाई चले, श्याम भाई भी साथ में चले, लेकिन श्याम भाई रास्ते कुछ मन की चंचलता बस लौट आए। लालदास जी चलते हैं, लालदास जी के साथ उनकी पत्नी और बेटी दोनों चलती हैं। जमुना दास, जमुना बाई चलती हैं, साथ में बेटा छवेल दास। निवेह आखिर लो, भाई है विरोध में, बहन है श्री जी के चरणों में सब कुछ सौंप दिया, और छबिल दास जी ने पानी पिलाने की सेवा ली। अंतिम समय तक श्री जी के चरणों में पानी पिलाते पिलाते अपने तन को छोड़ा। जमुना बाई और छबिल दास दोनों के अंदर परमधाम की आत्मा, और दोनों ने अपना जीवन सार्थक कर लिया। परमधाम की ब्रह्म सृष्टि कहीं भी हो, किसी भी पंथ में हो, अच्छातीत के चरणों की सानिध्यता उसको अवश्य प्राप्त होती है। और नागजी भाई बहुत प्रेम से सेवा करते थे। श्री जी ने उनका नाम रखा गरीबदास, की क्या नागजी सर्पजी ये नाम है। कहा कि अब तुम नागजी नहीं कहलाओगे, क्योंकि बहुत प्रेम भावना थी, गरीबी भावना से सेवा करते थे, विनम्रता से। सेवा कब होती है? जब हृदय में विनम्रता के भाव आते। यानी उस विनम्र भावना के कारण श्री जी ने उनका नाम ही रख दिया कि आज से आपका नाम गरीबदास है। लालदास संग चले खाली लेकर हाथ, कुछ नहीं है, कहा करोड़ों के मालिक थे, अब हाथ में एक लोटा भी नहीं। अंतिम समय तक श्री जी के दाएं हाथ बनकर जागरी में सेवा समर्पित की, और इसलिए गुमर जी के पीछे समाधि प्राप्त करने का सौभाग्य उन्हें कोई गोबर जी के पीछे केवल दो की समाधि है, लालदास जी की और मुकुंददास जी की। प्रेम जियति प्रेम सो, और प्रेम जी भाई बहुत प्रेम पूर्वक हाजिर रहे हजूर में, श्री जी की सेवा में उपस्थित रहते हैं। लक्ष्मण कबीला लेके, और संपूर्ण परिवार के सहित लक्ष्मण जी कबीला भारी भया, और लेकिन परिवार का बोझ इतना हो गया कि बीच रास्ते में से उनको लौट करके आना पड़ा। इस तरह से लगभग 500 की जमात श्री जी के साथ चल पड़ती है। ये जत्था सबसे पहले सिद्धपुर पहुंचता है, 4 दिन वहां ठहरते हैं अहमदाबाद, और वहां से सिद्धपुर आते हैं। सिद्धपुर पूरे गुजरात में एक धार्मिक नगर के रूप में प्रसिद्ध है। वहां का पंडा है रेवादास, भगवान दास उपाध्याय। रेवादास देखता है कि ये इतने लोग आ रहे हैं, क्योंकि किसी के पास वेशभूषा नहीं है महात्मा वाले। देखता है कि सब धोती कुर्ता पहने हैं, कोई माला नहीं है, तिलक नहीं है, तो क्या समझा कि क्षत्रियों की एक जमात जा रही है। लेकिन ये मालूम हुआ कि ये तीर्थ यात्री हैं, और सिद्धपुर में सभी पंथों के मठ मंदिर बने हुए थे,
श्री जी वहां ठहरते हैं, 22 दिन तक वहां रहते हैं। 22 दिन का प्रसंग 4 बार बीतक में आएगा। एक बार आपने सुन लिया है कि श्री जी सतगुरु धन श्री देवचंद जी के पास 22 दिन ठहरते हैं अंतर्धान लीला से पहले। अब 22 दिन यहाँ रहेंगे और 22 दिन का प्रसंग आएगा उज्जैन में भी। अब श्री जी की सच्चे हृदय से सब सुंदर साथ सही सेवा करते हैं। रिवरदास चलने लगते हैं जिस दिन श्री जी, तो गोवर्धन दास जी एक सोने की मुहर देते हैं तो उसके मन में लालच आ जाता है, कहते हैं कि एक और दे दीजिए। गोवर्धन दास जी हंसने लगते हैं, कहते हैं कि पागल, तो एक क्या कहूं, तो मैं तुम्हें कई दे दूं, लेकिन ये माया कथन तो लेकर के क्या करेगा, इनके पास तो अखंड की दौलत है, वो ले लो। वहां जोकर कहने लगा कि मैंने आपको पहचाना नहीं था, आप मेरी परात्म को पहचान के मेरी आत्मा को जगाइए। श्री जी कहने लगे कि भाई अब 22 दिन तक तो तू मेरे साथ रहा, सारा ध्यान तो तुमने इस भावना से किया कि ये हमारे तीर्थ यात्री हैं और केवल पैसे लेने की भावना से, अब चलते समय मैं तुम्हें क्या बताऊं, बस इतना बता दिया कि देखो हम परम धाम से आए हैं, पहले ब्रजराज में आए थे, अब पुनः इस जागनी के ब्रह्मांड में आए हैं। क्षर अक्षर से परे वो परम धाम है जिसमें सरोवर सागर से होते हुए केलपुर पर आना पड़ता है, पाठ घाट में स्नान करके चांदे चौक में जाकर अंगना भाव के द्वारा 100 सिंगिया चढ़कर मुख्य द्वार पर पहुंचना होता है, 28 स्तंभ के चौक 4 सहेलियों को पार करके मूल मिलावे में जाना होता है और उस मूल मिलावे में युगल स्वरूप राज्य श्यामा जी विराजमान है, राज्य का श्रृंगार सिंदूरिया रंग की पाग है, केसरिया रंग की जार है, श्वेत रंग का बागा है, कमर में नीले पीले रंग का पटका है, कंधे पर आसमानी रंग की पिछोरी है और श्यामा जी जिनकी सिंदूरिया रंग की साड़ी है, नीले रंग का पेटकोट है और श्याम रंग का ब्लाउज है, सिर पर राखड़ी है, गले में 7 हार है, पैरों में घुंघरी वगैरह के सब आभूषण है, झांझरे घुंघरी कांबी कड़ला अनवट बिछिया के भूषण है, तुम इस शोभा को दिल में बसाए रखो। उसने तो सोचा कि कोई मंत्र दे रहे हैं, बेचारे को ज्ञान तो हुआ नहीं, 6 महीने तो किसी से बोलता नहीं है और मंत्र की तरह अंदर चुपचाप पाठ करता रहता है। जो श्री जी बता गए हम परम धाम से आए हैं, ब्रजराज से जागने के ब्रह्मांड में आए हैं, काल माया योग माया से परे परम धाम है जिसमें मूल मिलाव में राजी श्यामा जी सिंहासन पर विराजमान बैठे हैं, इसी को पाठ करता रहता है कि इससे मेरी मुक्ति होगी। उसकी घनिष्ठता थी केशव भट्ट जी से। एक दिन आपको मालूम ही है कोई कितना भी छिपाने वाला हो अपने नजदीकी मित्र से कुछ न कुछ बात तो कह देता है, 6 महीने तक तो छिपाए रखता है, एक दिन कुछ बातें कह दिया, काल माया युग माया से परे परम धाम है, वहां से हम इस क्रमत करके खेल देखने के लिए आए हैं। जब 2-3 बात कहा केशव भट्ट कहते हैं कि भाई तूने ये कहां से सुनी है बात, मुझे और पूरा सुनाओ। जैसे ही सारी बात सुनाता है केशव भट्ट कहते हैं कि रेवादास तू पंडा का पंडा ही रह गया, तुमने पहचाना कि ये कौन है। कहा कि कौन थे ये, तुम्हें जानता हूं कि वो क्षत्रियों की जमात थी, एक क्षत्रिय इधर से निकला था उसके साथ 500 लोग थे। कहा कि तू तेरी हालत तो वैसे ही है जैसे बंदर कह जाने अदरक का स्वाद, वैसे तू पंडा ही रह गया, वह तो अक्षरातीत था तुम नगरी पहचान, अब मैं उतही जात हूं मुझे आया ही मान। पूरी बीतक में 4 बार प्राणनाथ जी को अक्षरातीत शब्द से संबोधित किया गया। एक जगह कहा गया यही अक्षरातीत है, यही है धनिधाम, यही मोहम्मद मेदी ईसा, यही पूरे मनोरथ का नदी किलकिला तीर पर उतरे परमहंसाए, तिन में सिरधार अक्षरातीत देख अपना ठोट सुख पर, 7 समस्त के बीच में जुगल धनी बैठा है, कहीं तुम साक्षात अक्षरातीत हो हम जिन्ना तुम्हें बना, लेकिन दुर्भाग्य है हमारा
हमारे समाज का, जिसमें प्रांगनाथ जी को असंत कहा जा रहा है। जब बीतक सार में चार बार सीधे अक्षरातीत लिखा जाता है, फिर भी हमारी न जाने कौन सी बुद्धि है जो प्राणनाथ को अक्षरातीत स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होती। केशव भट्ट कहते हैं कि भाई तुम्हें यहां रहना हो तो रहो, अब तो मैं जाता हूं, और चल पड़े हैं खोज के लिए। 6 महीने पहले कोई निकल जाए और बिना नाम पता के, आजकल तो टीवी पर समाचार दिलवा दिया जाता है, फोन से पता कर लिया जाता है, उस समय कितनी लगन थी केशव भट्ट जी के अंदर। बस लोगों से पूछा कि वो जमात किधर गई थी, किसी ने बताया कि इधर गई थी, अंदाजा से करते करते दिल्ली में भेंट ही कर लिया, दिल्ली पहुंच गए। ये तो लगन होती है। जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी बैठ, मैं बपुरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। कबीर जी ने बहुत अच्छी बात कही है, जो सागर में डुबकी लगाएगा वही तो मोती पाएगा, जो सोचता है कि मैं डूब जाऊंगा तो किनारे पर बैठा बैठा क्या करेगा। खोजी को तो सब कुछ मिल जाता है, प्रीतम परब्रह्म कि जो खोज करता है उसको जरूर मिलता है। इसलिए तो कहा है, खोजी खोज मिटावे अंधार, मोड़ मदीना जाने विचार। खोज बड़ी संसार रे तुम खोजो रिसादो, खोज बड़ी संसार। जिसके अंदर उस प्रीतम को पाने की तमन्ना होती है उसको अवश्य मिलता है। संसार को क्या चाहिए? संसार को माया के सुखों का एक पिटारा चाहिए। जिसको खोज केवल अक्षरातीत की है वो अक्षरातीत को अवश्य ढूंढ लेगा। 14 लोकों में चले जाइए, पाताल में चले जाइए, निराकार मंडल में चले जाइए, कहीं अक्षरातीत नहीं मिलेगा। इतना कोमल दिल बनाया है अक्षरातीत ने, उस दिल के अंदर ही मिलता है। मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघरों में, गुरुद्वारों में नहीं मिलेगा, जब मिलेगा तो दिल में मिलेगा। आवश्यकता है उस दिल में प्रेम भरने की, विरह के रस भरने की, श्रद्धा और समर्पण के भाव भरने की। जिसने विरह से, श्रद्धा से, समर्पण से, प्रेम के रस से इसको सींच लिया, उसके दिल में वही गुलस्वरूप प्रकट हो जाते हैं। जिसको खोजते खोजते तब को बका का कोई बोलिया ना एक हरफ, ऋषि मुनि योगी यति अवतार तीर्थंकर सारे थक गए। हिमालय की गुफाओं में बैठे हुए ऋषि मुनि थक गए लेकिन कोई पा नहीं पाया। वो इस जागनी लीला में सबके धाम हृदय में मिल सकता है, लेकिन तारतम ज्ञान के प्रकाश में विरह की रसधारा चाहिए। अब वहां दिल्ली में उर्दू बाजार में गरीबदासी मिलते हैं, उनके माध्यम से जब उनको पता चलता है, श्री जी के चरणों में आते हैं और तारतम ज्ञान ग्रहण करके पुनः पहुंच जाते हैं वहां सिद्धपुर। और जो रेवादास जिसको अभी ज्ञान का प्रकाश नहीं हो पाया था उसको प्रबोधित करते कि रेवादास केवल मंत्र की तरह जपने से कुछ नहीं होगा, ध्यान करो, उस इस वाणी चर्चा को सुनो और थाना थाप्या सिद्धपुर में, थाना यानी केंद्र, समाज में ज्ञान केंद्रों की आवश्यकता की जरूरत है। जगह जगह ज्ञान के केंद्र बने जहां से समाज को वाणी मिले। केवल घंटी घड़ियाल बजाने से और खीर पोड़े के बड़े बड़े भंडारे करने से किसी की आत्मा जागृत नहीं होनी। जो धन बड़े बड़े कलश चढ़ाने में खर्च हो रहा है उस धन को वाणी के फैलाव में लगाने की जरूरत है। देश में 400 मंदिर हैं लेकिन 400 मंदिरों को संचालित करने के लिए 400 विद्वान नहीं है। 400 मंदिरों की जगह 400 ज्ञान के केंद्र बने होते तो आज सारे संसार में वाणी की गूंज हो रही होती। अब श्री जी कि ज्ञान की रश्मियां लेकर केशव भट्ट सिद्धपुर आते हैं और वहां अनेक सुंदर साधु को जागृत करते हैं। धाम चर्चा नित होवी, वहां प्रतिदिन परम धाम की चर्चा होती है और चितवनी कराई जाती है। अब सिद्धपुर से सिद्धपुर के अंदर मेते पहुंचे धाए। अब श्री जी सिद्धपुर से होते हुए मेड़ता पहुंच जाते हैं। मेड़ता में क्या हो रहा है? मेरता में एक लाभानंद नाम का यति रहता है। यति किसको कहते हैं? यति की परिभाषा यह होती है कि जो सब कुछ छोड़ चुका है, वैराग्य की मूर्ति हो और केवल परमात्मा का चिंतन करता है, ध्यान करता है, उसको यति कहते हैं। योगी यति, ये दो शब्दों का प्रयोग बहुतायत से होता है।
योगी यानी योग करने वाला। योगी के लिए आवश्यक नहीं है कि केवल विरक्त ही हो, गृहस्थ भी योगी हो सकता है। संयोग योग इति उक्तः जीवात्म परमात्मा, जो अपनी चेतना का संबंध उस परमात्मा से जोड़े उसको योगी कहते हैं। और योग करने वाले के अंदर वैराग्य की मूर्ति हो, वैराग्य पुरुष अपने चरण पर हो, बिना मांगे जो मिल जाए उसको ग्रहण करें, उसको यति कहते हैं, यानी संसार की मोह माया से विरक्त। नाम तो उसने यति रख रखा है, लेकिन वास्तव में यति नहीं था, वो एक तांत्रिक था। आजकल देखते हैं लोग तंत्र क्रियाओं में पारंगत हो जाते हैं और अपने नाम के आगे परमहंस शब्द लगा लेते हैं। परमहंस किसको कहते हैं? जो ब्रह्मात्मा होती है, जिसने अपने आत्म चक्षुओं से प्रीतम को देखा होता है, केवल परमहंस कहलाने की शोभा उसको मिलती है। हंस कौन होता है? ईश्वरीय सृष्टि। जीव सृष्टि क्या होती है? कौवा। ईश्वरीय सृष्टि हंस और ब्रह्म सृष्टि परमहंस। मुनि किसको कहते हैं? जो धर्म और तत्व का मनन करता है उसको मुनि कहते हैं। ऋषि कौन होता है? ऋषियों मंत्र दष्टारण मंत्रान संप्रादो, जिन्होंने वेद मंत्रों को समाधि अवस्था में अर्थ सहित देख साक्षात्कार किया है उसको ऋषि कहते हैं। विद्वान व्याकरण के बल से, अष्टाध्यायी निघंट निरुक्त महाभाष्य के बल से वेदों के अर्थ तो कर सकता है, लेकिन समाधि अवस्था में उसका साक्षात्कार नहीं कर सकता। वेद किसी ऋषि के बनाए हुए नहीं है, लेकिन चार ऋषियों के अंदर वेदों की ऋचाओं का प्रकटन हुआ। ब्रह्मा जी ने उनसे एक एक वेद को ग्रहण किया, लेकिन किसी को भी चारों मंत्र वेदों के मंत्रों का रहस्य मालूम नहीं था। जिस जिस ऋषि को जिस मंत्र का रहस्य मालूम हुआ समाधि अवस्था में, आज तक उसके सम्मान के साथ उस मंत्र के नाम, मंत्र के साथ उसका नाम जुड़ा आता है कि इस मंत्र का ये ऋषि है। ऋषि बिना समाधि अवस्था में मंत्र का साक्षात्कार किए बिना पद नहीं मिल सकता। महर्षि उसको कहते हैं जो सांगोपांग अंग उपांग सहित चारों वेदों का अध्येता हो। ब्रह्मर्षि किसको कहते हैं? जो ब्रह्म तत्व में डूब गया हो, ब्राह्मी अवस्था को प्राप्त कर लिया हो, उसको ब्रह्मर्षि कहते हैं। अब ये यति जी महाराज कहलाने के लिए यति जी कहलाते हैं। तांत्रिक क्रियाओं से सबको इतना बस में कर रखा था कि कोई डर के मारे कुछ बोलता नहीं था। शिव जी जब मेरता पहुंचते हैं, चर्चा के लिए देखते हैं कि कोई आ नहीं रहा है। पता चलता है कि मेरता नगरी में कोई भी व्यक्ति चर्चा के लिए इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहाँ लाभानंद यति का प्रभाव है। कोई भी उसके आदेश के बिना चर्चा सत्संग नहीं सुन सकता था। यदि कोई ऐसा करता था तो लाभानंद यति अपनी तांत्रिक क्रियाओं से मरवा डालता था। तांत्रिक क्रिया क्या है इसको संक्षेप में समझिए। आपके मन में अलौकिक शक्ति है, उसका दुरुपयोग आप करते हैं या सदुपयोग, ये आपके ऊपर है। आप अपनी शक्तियों को नहीं जानते। नारायण की चेतना ही आपके अंदर तो प्रतिभास के रूप में, जीव के रूप में है। आपका जीव जब बैल की योनि में होता है तो क्या आप सोचते हैं कि मैं बैल हूं? सिंह की योनि में जाता है तो सोचते हैं कि मैं सिंह हूं? स्त्री की योनि में आता है तो आप अपने को स्त्री मानने लगते हैं, और पुरुष की योनि में आपका जीव आ जाता है तो आप अपने को पुरुष मानने लगते हैं। कदाचित समाधि अवस्था में आप सारे द्वंद्वों से परे हो गए, जैसे गौतम हुए, बुद्ध हुए, महावीर स्वामी हुए, जिन्होंने अपने निज स्वरूप को देखा कि मेरा स्वरूप कैवल्य अवस्था में कैसे प्रकृति से परे है, संपूर्ण तृष्णाओं से परे। उस अवस्था में, शुद्ध अवस्था में आ जाने के बाद आप मन से जो भी संकल्प करेंगे वो हो जाएगा। जैसे नारायण की अवस्था क्या है? आदि नारायण की जो अवस्था है वो भी कैवल्य की है, हंस की नहीं। जब तक इस प्रकृति से संबंध बना रहेगा तब तक वो शुद्धतम अवस्था कैवल्य की ही कहलाएगी। हंस अवस्था उसको कहते हैं जिसमें अपने अस्तित्व का आभास न हो, मैं हूं नहीं, और जब तक ये भाव रहता है कि मैं हूं तब तक वो कैवल्य अवस्था है। निजानंद योग में इसकी विस्तार पूर्वक व्याख्या की गई है। जब नारायण के संकल्प एकों बहुश्याम से असंख्य लोक लोकांतर बन सकते हैं तो आप भी अपनी शुद्ध अवस्था में जो संकल्प करेंगे वो अवश्य हो जाएगा। पश्चात दर्शन
इस तथ्य को नहीं जानता, वो मन को, मस्तिष्क को, माइंड को, बुद्धि को सब एक ही मान लेता है और जीव को भी। उसको ये मालूम नहीं है कि मस्तिष्क अलग है, मन अलग है, बुद्धि अलग है, चित्त अलग है, अहम अलग है। इसलिए जोसेफ मर्सी ने किताब लिखी और चेतन मन की शक्ति पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गई। लेकिन उसमें कई त्रुटियां आ जाती हैं, क्योंकि लेखक ने प्रयास तो बहुत किया है, ये बेचारा नहीं समझ पा रहा है कि मन और मस्तिष्क दोनों अलग अलग है। मस्तिष्क तो स्थूल भाग है, मस्तिष्क के कई भाग हो सकते हैं, उसको पांच भागों में बांटिए या कितने भागों में बांटिए, मस्तिष्क का ऑपरेशन हो सकता है, मन का नहीं। मन, चित्त, बुद्धि और अहम, ये कारण शरीर के अंतर्गत आते हैं और किसी भी सूक्ष्मदर्शी से इनको देखा नहीं जा सकता। इन चारों तत्वों का दर्शन मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार जो कारण शरीर है, समाधि अवस्था में केवल योगी ही देख सकता है, किसी भौतिक अंदर से देखने की इनमें समर्थ नहीं है। जब इसमें संकल्प किया जाता है शुद्ध अवस्था में आकर, तो मन की शक्ति उसी में केंद्रित हो जाती है और वो लक्ष्य तक प्राप्त हो जाता है। इसके लिए जैसे सुंदर साथ को कई इच्छाएं रहती है कि राजी हमारा ये काम कर दें तो मैं पाठ रखवा दूंगा, मैं बागे चढ़ा दूंगा, मैं ये कर दूंगा। राज्य को भौतिक पदार्थों से क्यों खुश करते हैं? अक्षरातीत को यदि पाना है तो उस अक्षरातीत को पाने के लिए शुद्ध हृदय से पुकार कीजिए। आप रात को सोने से पहले बिल्कुल शांत हो जाइए, अक्षरातीत को अपने दिल में बसाइए और अपने पवित्र हृदय से अपने मन के संकल्प को दोहराइए। मैं ज्ञान से युक्त हो जाऊं, मुझे प्रीतम परब्रह्म का साक्षात्कार हो, मैं निर्विकार हो रहा हूं, मेरी आत्मा माधुरी प्रेम में डूबती जा रही है, इन बातों को करके आप सो जाइए। परिणाम क्या होगा? आपके ये सकारात्मक विचार आपके आपकी चेतना के शुद्ध स्वरूप तक पहुंच जाएंगे। किस प्रकार? जब मनुष्य सो रहा होता है तो सोते समय शरीर बिल्कुल स्थिर जड़ जैसा हो जाता है, मन, चित्त, बुद्धि से कोई कार्य नहीं होता है। जो काम समाधि अवस्था में होता है वही स्थिति निद्रा अवस्था में भी हो जाती है। अंतर इतना ही होता है कि समाधि अवस्था में त्रिगुणातीत अवस्था होती है और वो सतोगुण की बाहुल्यता होती है, निद्रा में तमोगुण की बाहुल्यता होती है, लेकिन मन, चित्त, बुद्धि निष्क्रिय अवस्था से हो जाते हैं। जो आपने संकल्प किया था कि मैं निर्विकार हो जाऊं, मैं अक्षरातीत का दर्शन कर लूं, संसार की मोह माया मेरे से हट जाए, इन्हीं सकारात्मक विचारों के साथ जब सो जाते हैं तो ये सारे विचार आपकी चेतना के शुद्ध धरातल पर पहुंचते हैं, जिसको अवचेतन मन का दिया गया है। चेतन और अवचेतन में क्या अंतर है? चेतन का विपरीत सत्य है अवचेतन। इसको पश्चिमी दार्शनिकों ने अलग अलग तरीके से व्याख्या की है। चेतन को उसको ये मानते हैं कि जो बहिर्मुखी मन है वो चेतन है, अंतर्मुखी मन अवचेतन है, और इसके लिए अलग अलग कॉन्शियस और सब कॉन्शियस माइंड शब्द प्रयोग किए हैं, जबकि ये उचित नहीं है। माइंड और मन अलग अलग है। माइंड का तात्पर्य मस्तिष्क से है, मस्तिष्क और मन एक हो ही नहीं सकता। मस्तिष्क तो कार्यशाला है, बुद्धि के निर्देश को मस्तिष्क ग्रहण करेगा, मन के निर्देश को मन मस्तिष्क ग्रहण करेगा, इसी तरह से चित्त के निर्देश को भी मस्तिष्क ग्रहण करेगा। जो कारण शरीर से आदेश जाएगा मस्तिष्क उसको क्रियान्वित करेगा, वो हमारी इंद्रियों को, शरीर को उस दिशा में नियोजित कर सकेगा। लेकिन मस्तिष्क को माइंड कह दे, मस्तिष्क को मन कह देना बहुत बड़ी भूल होती है। जन्म जन्मांतरों के चित्त के संस्कार हमारे अंदर स्थित है। हम पूर्व जन्म में क्या थे, कितने जन्मों में हम क्या रहे हैं, किस योनि में हम क्या रहे हैं, किस जन्म में हम पुरुष रहे, किस जन्म में स्त्री रहे, किस जन्म में पशु रहे, किस जन्म में पक्षी रहे, वो सारे संस्कार हमारे चित्त के अंदर समाहित है और उन संस्कारों से बंधा हुआ हमारा जीवन होता है। जब जब हम ध्यान की गहराइयों में पहुंचते जाएंगे हमारे पूर्व जन्म के सारे दृश्य चित्रपट की तरह हमारे मना पटल पर दिखते जाएंगे। इसको कहते हैं
पुरजन का दृश्य देखना, लेकिन ये सब भ्रांतियां हैं, यानी इनमें फंसे रह जाएंगे तो लक्ष्य से भटक जाएंगे। अभी मैं कह रहा था कि जैसे आप सकारात्मक विचारों के द्वारा अध्यात्म के शिखर पर पहुंच सकते हैं, आप जान सकते हैं कि मैं कौन हूं, अक्षरातीत क्या है, अक्षरातीत का दीदार कर सकते हैं, बुराइयों से हट सकते हैं, उसी तरह से नकारात्मक विचारों में मन की शक्ति को लगाकर आप गलत कार्य भी करवा सकते हैं। इसको तंत्र क्रिया कहते हैं। यानी जैसे मैं एक संक्षेप में बता दे रहा हूं, लेकिन सबको मेरा निवेदन है कि इसको करें नहीं, क्योंकि यदि आप करेंगे तो पाप के भागी आप होंगे। सम्मोहन करने वाले क्या करते हैं, एक सूक्ष्म बिंदु, काला बिंदु बना लेते हैं और उसको 3.5 घंटे तक बिना पलक झपकाए जो देख लेगा उसके मन में इतनी सम्मोहन शक्ति पैदा हो जाएगी कि किसे कहेगा कि खड़े हो जाओ तो उसको खड़ा होना पड़ेगा, कहेगा कि नाचो तो नाचना पड़ेगा, वो कहेगा कि रो तो बिना उसके वाक्य उसका पूरा हुआ नहीं, आपको नाचना पड़ेगा, जो वो कहेगा वो करेगा, करना पड़ेगा। क्यों? उसने मन की शक्ति को उसमें लगा दिया है, उसने वो सिद्धि प्राप्त कर ली है कि जैसा वो कहेगा वो करना पड़ेगा। तंत्र क्रिया में यही होता है। तंत्र क्रिया में किसी का नाश करना होता है, किसी को गलत दिशा में मोड़ना होता है, तो उल्टे सीधे मंत्रों के द्वारा मन की शक्ति उस पर केंद्रित की जाती है और किसी को मारा जाता है, किसी का कुछ विनाश कर दिया जाता है, किसी को कुछ विनाश किया जाता है। देवी देवताओं के मंत्र तो के नाम से तो केवल एक आधार मात्र होता है। कोई श्मशान में बैठकर बंगला मुखी की साधना करता है, कोई भैरव की सिद्धि करता है, कोई काली की सिद्धि करता है, सच में होता क्या है, ये मन की केवल शक्ति का दुरुपयोग होता है। जो तांत्रिक तो मुसलमान भी होते हैं, वो जिन्नों को खुश किया करते हैं, यानी अपने मन की शक्ति से आप किसी को कुछ भी चमत्कार दिखा सकते हैं। श्राप और वरदान में क्या अंतर है? श्राप में अनिष्ट चिंतन होता है और वरदान में शुभ चिंतन होता है, करने वाला संबंध है। लेकिन यदि आप किसी का अनिष्ट चिंतन करते हैं, आप मन की शक्ति से किसी का पतन करते हैं, तो वो परमात्मा की दृष्टि में एक अपराध है, और आप यदि किसी का बुरा करते हैं तो आपको अपराध की सजा भुगतनी पड़ेगी। ये जितने तांत्रिक होते हैं इनका अंतिम समय बहुत बुरा गुजरता है, क्योंकि इन्होंने दूसरों का बुरा किया होता है। आध्यात्मिक शक्ति या भौतिक शक्ति किसी का विनाश करने के लिए नहीं होती है, सबके कल्याण की भावना करने के लिए होती है। सर्वशक्तिमान परमात्मा कितना दयालु है, कितना शक्तिशाली है, लेकिन सपने में भी किसी का बुरा नहीं करता। दुनिया उसको गाली भी देती है, फिर भी वो प्रत्यक्ष होकर प्रकट होकर नहीं कहता कि मैं सर्वशक्तिमान परमात्मा हूं तुम्हारा नाश कर दूंगा, क्योंकि वो महान से महानतर है। जब आप पेड़ पर पत्थर मारते हैं तो मीठा फल देता है, तो सर्वशक्तिमान परमात्मा इतने छोटे हृदय का नहीं है, वो दया का सागर है, करुणा का सागर है, प्रेम और आनंद का सागर है। उसको मालूम है कि अज्ञानता में भटकते हुए प्राणी मुझे ऐसा ही करेंगे तो मैं उनका नाश क्यों करूं। लोग क्या सोचते हैं कि यदि हमने पूजा नहीं किया, ये भगवान को नहीं चढ़ाया तो भगवान मेरा नाश कर देंगे। कितनी बड़ी भ्रांति है, भगवान तो नाश कर ही नहीं सकते, वो तो दया के सागर है। लोग देवी देवताओं की पूजा क्यों नहीं छोड़ पाते? उनको डर ये रहता है कि ये देवी देवता मेरा नाश कर देंगे। होता क्या है, जो तांत्रिक क्रियाओं को करने वाले होते हैं, अपने इष्ट की यदि भक्ति न करें तो उनका नुकसान हो सकता है, क्योंकि वो तामसिक भक्ति होती है, बहुमार्गी भक्ति होती है। वो मांस चढ़ाते हैं, शराब चढ़ाते हैं, दूसरों के विनाश के लिए मंत्र जप करते हैं, श्मशान में बैठ करके तमोगुणी साधना करते हैं। इन साधनाओं से कोई आत्म कल्याण का मार्ग नहीं है, बस चमत्कार दिखा दिखा करके लोगों को वशीभूत करना होता है, और दुनिया इन्हीं को सिद्ध माने बैठी होती है। लाभानंद यदि इन तांत्रिक क्रियाओं में पारंगत था और चमत्कार दिखाया करता था, यदि कोई उसका कहना नहीं मानता था तो उसके उसके घर का कोई कुछ न कुछ अनिष्ट कर देता था, यानी सम्मोहन, मारण, उच्चाटन, ये सारी क्रियाएं होती है। किसी को वशीभूत कर लेना, किसी को संकल्प बल से मार डालना, ये तंत्र क्रियाओं से संभव हो सकता है, लेकिन ये महापाप है।
यदि आप तांत्रिक क्रिया का प्रयोग करके किसी को रोगी बना देते हैं, किसी को कुछ करते हैं, तो उसका दंड परमात्मा की तरफ से आपको भोगना पड़ेगा, आप उससे वंचित नहीं हो सकते। लेकिन यह भी है कि आपने यदि तांत्रिक क्रिया किसी ऐसे व्यक्ति पर की जिसे आपने किसी को श्राप दे दिया कि जाओ तो मर जा, और वो व्यक्ति किसी सदगुरु से जुड़ा हुआ है, वो व्यक्ति परमात्मा का ध्यान करता है, तो आपके तंत्र के दुरुपयोग की हुई शक्ति आपको ही मार डालेगी। वो तो बच जाएगा क्योंकि उसका संबंध किसी अलौकिक शक्ति से जुड़ा हुआ है। इसलिए जितने तांत्रिक होते हैं सामान्य लोगों को ही डराते हैं, इनसे कभी डरने की आवश्यकता नहीं है, इनके पास कुछ नहीं होता। आप अपने दिल में अक्षरातीत का भाव रखा कीजिए। जितने तांत्रिक होते हैं भोगी विलासी और प्रथम श्रेणी के अपराधी होते हैं, मध्य मांस में डूबे होते हैं, अध्यात्म से इनका कोई भी रिश्ता नहीं होता। लाभानंद यति भी वही है। श्री जी जाते हैं, 10 दिन तक उससे ज्ञान चर्चा होती है, उसको तो कुछ मालूम ही नहीं कि अक्षरातीत क्या है, अक्षर क्या है, योग माया का ब्रह्मांड क्या है। जब देखता है कि मैं तो इनके प्रश्नों का उत्तर ही नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि सुंदर साहब ने कहा कि धाम धनी ये जो लाभानंद यति है इसी के डर से कोई आता नहीं, यदि ये बस में आ जाए तो सभी लोग आ जाएंगे। श्री जी इसलिए उनके पास जाते हैं। 10 दिन तक चर्चा होने के बाद जब देखा कि मैं इनके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाऊंगा तो ईर्ष्या से ग्रसित हो गया और सोचा कि रात को जब ये सो रहे हैं तो मैं दैत्य हूं। दैत्य किसको कहते हैं? राक्षस। राक्षस यानी कौन? भूत प्रेत। भूत शब्द से दुनिया में दो विचारधारा है। जो विचारधारा भौतिकवादी विचारधारा है वो मानती है कि भूत होता नहीं, इसको रूढ़िवादिता में भी कहा जाता है। वेद के विद्वान भी भूत का अर्थ सूक्ष्म प्राणी कहते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। भूत का अर्थ प्राणी ही होता है। हमारा जो स्थूल शरीर है ये कार्य कर रहा है, लेकिन वासना ग्रसित ऐसा शरीर जो स्थूल शरीर से रहित हो लेकिन वासना के जाल में फंसा हुआ हो, जिसके कारण उसका पुनर्जन्म नहीं हो पा रहा है और भटक रहा है, उसको भूत कहते हैं। भूत यानी सूक्ष्म शरीरधारी जीव। जैसे सामान्य प्राणी में वासना होती है उसके अंदर भी वासना होती है, और वो अपनी वासना की तृप्ति के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाता है। हाँ, वो दुख की एक योनि है। जैसे ये जो हमें स्थूल शरीर मिला है इससे अधिक कीमती कुछ भी नहीं है। यदि हम इसका उपयोग भोग में करते हैं तो ये निरर्थक हो जाता है, बुढ़ापे का शिकार होकर के चरचर हो जाता है। लेकिन यदि इसका उपयोग हम सही दिशा में करते हैं तो इसी शरीर से साक्षात पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद का साक्षात्कार कर सकते हैं, भव सागर के बंधन से पार हो सकते हैं। मनुष्य तो अपने शरीर की कीमत जानता ही नहीं है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर धर्म का साधन है। इसमें क्या है? हड्डियों का ढांचा है, उस मांस से ढका हुआ है, उसके ऊपर चमड़े का ढक्कन है, शरीर के नौ द्वारों से मलमूत्र ही बहता है, फिर भी इसके अंदर ज्योतिर्मयी चेतना है। यदि उसको ज्ञान का प्रकाश मिल गया और उसने परमात्मा की आराधना करना शुरू कर दिया तो इसी चेतना के अंदर इतना तेज आ सकता है कि जैसे 16 सूर्यों का तेज भी उसके सामने फीका पड़ जाए, और सारी सृष्टि के रचयिता को, सबके मुक्तिदाता को इसी चेतना के द्वारा साक्षात दर्शन किया जा सकता है, सभी दुखों के बंधन को काटा जा सकता है। इसलिए इस शरीर की यावत रक्षा करनी चाहिए, शरीर को साधन बनाइए, साध्य नहीं। साध्य कौन है? परमात्मा। लेकिन जब हम शरीर को केवल खिलाने पिलाने नहलाने धुलाने शौक श्रृंगार में लगा देते हैं सजावट में कि शरीर ही सब कुछ है, ये भ्रम है। शरीर सब कुछ नहीं है, शरीर हमें साधन मिला है। जैसे हमें कहीं मंजिल पर पहुंचना है, घोड़ा स्वस्थ रहेगा तो मंजिल पर पहुंच पाएंगे, लेकिन घोड़े में यदि चलने की ताकत नहीं होगी तो मंजिल पर नहीं पहुंच सकते। घोड़े को दिन रात देखते ही रहे, मेरा इतना कीमती घोड़ा, इतना कीमती घोड़ा, तो मंजिल पर तब भी नहीं पहुंच पा सकते। देव और असुर दोनों के दो मार्ग हैं। देवता चाहते हैं कि हम आत्मज्ञान की तरफ बढ़े, और असुर क्या चाहते हैं? कि शरीर ही सब कुछ है,
यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा कर्तम पिबेत। जब तक जीवो सुख से जीवो कर्ज लेकर भी घी खाओ। इसलिए जो शरीर के प्रति केंद्रित हो गए हैं उनको असुर कहा गया, जो आत्मा की तरफ केंद्रित होते हैं उनको देवता कहते हैं, ब्रह्मज्ञानी कहते हैं। शरीर को साधन बनाकर जो आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करे, आत्म साक्षात्कार करे, ब्रह्म साक्षात्कार करे, उसी को ऋषि मुनि और महर्षि कहा जाता है। अभी प्रसंग चल रहा था उस लाभानंद यति ने इन्हीं सूक्ष्म जीवों को बस में कर लिया था और उनसे मनमाना काम कराया करता था। कैसे? एक सच्ची घटना है, गोपीनाथ कविराज जी का एक शिष्य था जो उनके पास अध्ययन किया करता था। गोपीनाथ कविराज के बारे में प्रसिद्ध है कि वे 6 माह तक अपने कमरे में बंद रहे, किसी से मिले जुले नहीं, कठोर साधना में लगे रहे और पूरे विद्यालय पूरे पुस्तकालय की सारी किताबें पढ़ गए थे, इतने गहन अध्येता थे। उनके मोहल्ले में एक तांत्रिक आ गया जो हाथ फैलाता था और 1 मिनट में हजार हजार किलोमीटर से चीजें मंगा कर दे देता था। अब ऐसा चमत्कार कोई दिखाए तो लोगों की भीड़ तो चमत्कार के पीछे भागती है। साधो केहर कहीं करमात ये दुनिया तितराचे, चमत्कार के पीछे भागने वाली जनता कितनी भीड़ हो गई कि उस शिष्य के मन में आया कि मैं भी क्यों नहीं ये विद्या सीख लूं। जैसे ही वो उस तांत्रिक के पास गया, उनसे विद्या सीखा और रात्रि को उनके बताए हुए मार्ग से जप करने लगा। लेकिन जब कुछ सिद्धि नहीं मिली तो अगले दिन भागा हुआ आया और कहता है कि मैंने आपके बताए हुए मार्ग से साधना तो प्रारंभ की लेकिन मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। वो तांत्रिक कहता है कि यदि तुम मेरी सिद्धि को प्राप्त करना चाहते हो तो जो तुम संध्या करते हो उस संध्या को तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, चयन करना तुम्हारा काम है। क्योंकि जब तुम जप करने लगे और मेरा प्रेत जिससे मैं ये कार्य करवाता हूं तुम्हारे शरीर के अंदर प्रवेश करना चाहा तो तुम्हारे तेज से जलने लगा और भाग खड़ा हुआ। यदि तुम इस सिद्धि को चाहते हो तो परमात्मा की भक्ति बंद करनी पड़ेगी। वो गया अपने गुरुदेव से पूछने गोपीनाथ कविराज से कि गुरुदेव मैं क्या करूं, मैं उस सिद्धि को सीखना चाहता हूं और मेरे साथ ये घटना घटी। वो तांत्रिक कह रहा है कि तुम संध्या करना बंद कर दो, क्योंकि अभी छोटी अवस्था का बालक था, उसको पता तो सब कुछ नहीं था। गोपीनाथ कविराज ने कहा कि देखो यदि तुम संध्या करते हो तो तुम्हें मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, लेकिन प्रेत सिद्धि करने के लिए चमत्कार दिखाने के नाम पर जिस प्रेत को तुम खुश करना चाहते हो और अपने अंदर प्रवेश कराना चाहते हो, मरने के बाद वह तुमसे सेवा कराएगा और तुम्हें प्रेतवनी का शिकार होकर तुम्हें उसकी गुलामी करनी पड़ेगी। और तुम्हारे ऊपर है कि तुम मोक्ष मार्गी बनकर के परमात्मा का आनंद लो या प्रेत योनि का शिकार बनो। यह है तंत्र विद्या जो मुसलमान होते हैं जिन्नों के द्वारा चमत्कार दिखा देते हैं, हिंदू भूत प्रेतों के द्वारा। भूत प्रेत जिन्न क्या है? जिन्न और भूत प्रेत में अंतर इतना ही होता है कि मुस्लिम लोग मरने के बाद अपने मृतक शरीर को कब्र के अंदर डाल देते, उससे उस जीव को आसक्ति बन जाती है और जब तक कब्र पूरी तरह सड़ नहीं जाती उसका पुनर्जन्म नहीं हो पाता। पुनर्जन्म का सिद्धांत शाश्वत सत्य है, सूरज पश्चिम में उग जाए लेकिन पुनर्जन्म तो होता है। कोई मुस्लिम क्रिश्चियन भले ही हठवादिता से कहे कि पुनर्जन्म नहीं होता है तो उसका भ्रम है। चेतन जीव किसी न किसी योनि में प्रवेश करता है। हाँ, जो कब्र में जिनको गाड़ा जाता है उनको अपने शरीर का के प्रति आसक्ति बनी रहती है, इसलिए उनका जन्म तब तक नहीं हो पाएगा जब तक उस आसक्ति को छोड़ न दे। हिंदू अपने शरीर को जला देते हैं इसलिए उनका जीव जलती ही तुरंत दूसरे योनि में प्रवेश कर जाता है। लेकिन यदि किसी आकस्मिक घटना का दुर्घटना का शिकार हुआ हो तो उनको भी पुनर्जन्म नहीं हो पाता है और वह जीव वायुमंडल में भ्रमित होते रहते हैं वासना से ग्रसित होने के कारण कि मैं नहीं मरता तो ज्यादा अच्छा था, और वो अज्ञान की अवस्था होती है, उनको प्रेत योनि में कहा जाता है। और तांत्रिक लोग मन की शक्तियों से उनको बस में बुला करके किसी को मरवाना है, किसी को कुछ उल्टे सीधे काम करवाने हैं, चमत्कार दिखाने हैं, बस इसी को करते रहते हैं। भोली भाली जनता उनको सिद्ध पुरुष मानकर पूजती रहती है।
लावानंद यति ने सोचा कि रात को जब ये सो रहे हैं मैं पत्थरों की वर्षा कराकर मैं इन सबको मार डालूं। यह है तामसिक प्रवृत्ति, ब्रह्मज्ञान लेना नहीं चाहता। अक्षरातीत आए हैं सामने, लेकिन वो कितना बदनसीब है कि उन्हीं के ऊपर पत्थरों की वर्षा कराना चाहता है, वो भी नाचीज भूत प्रेतों से। जो भूत प्रेत बड़े बड़े पत्थरों के खंड को, बड़ी बड़ी शिलाओं को उठा लेते थे, सारी ताकत लगाकर थक जाते हैं, एक रोड़ी भी उनसे उठती नहीं। पंचवासना देव जहां खड़े, अब चुप भाई सुनिए, पंचवासना सब देव जहां खड़े, जहां पंचवासना है, कौन है? ब्रह्म सृष्टि आई है, अस्राफिल जबराइल भेज दिया अमर, निगाह बहने के जो मेरे खासे बंधु पर। आप अपनी आंखों से सुच सर्पों को नहीं देख सकते, आपकी आंखें स्थूल पदार्थों को देखने के लिए है। सर्वशक्तिमान परमात्मा की सत्ता तो कणकण में है। मूर्धा ज्योति सिद्ध दर्शनम, मूर्धा ज्योति में जब ध्यान समाधिस्थ हुआ जाता है तो सिद्ध पुरुषों का दर्शन होता है, लेकिन इन आंखों से तो हम स्थूल व्यक्तियों को देख सकते हैं, सूक्ष्म शरीरधारी प्राणियों को नहीं देख सकते। हाँ, लेकिन जिसको ये आभास रहता है कि मेरा परमात्मा मेरे साथ है, उसको किसी न किसी रूप से दैवी सहायता मिलती रहती है। ब्रह्म सृष्टियों ने मानव तन को धारण किया है, उसकी एक मर्यादा है, जब तक उनकी आत्मा जागृत नहीं होती तब तक उनके तन से चमत्कार की आशा भी की नहीं जा सकती। हाँ, राज्य की तरफ से स्वयं करवा दिया जाता है। अक्षर की पांचों वासनाएं, कबीर जी, विष्णु भगवान, सनकादिक, सुखदेव और शिव जी। पंच वासना देव जहां खड़े, हर ब्रह्म सृष्टि के साथ ये देवी देवता और पंच वासनाएं उनकी सुरक्षा के लिए मुस्तैद रहती है। इसलिए ये न समझिए कि आपने इनकी भक्ति नहीं की तो ये रूठ जाएगी। गुजरात में यही होता है, घर घर जाकर देखिए, अंदर घर में राजजी की वाणी पधराई होगी और बाहर गणेश जी जरूर रहेंगे। उत्तर भारत में भी राज्य की पूजा होगी और बाहर भूमिया देवता का कुछ न कुछ रहेगा। लोग किसे डरते हैं? कहीं भूमिया देवता रूठ न जाए, कहीं किस देवता की, कहीं किस देवता की, कहीं गोगा जाहरबीर की कोई पूजा कर रहा है, कोई भूमिया देवता की पूजा कर रहा है, कोई गणेश जी की पूजा कर रहा है, कोई लक्ष्मी जी की पूजा कर रहा है। वो सोचते हैं कि नाराज हो जाएंगे तो हमारा घर का नाश हो जाएगा। इसलिए राज्य को तो हम आत्मा से मानते हैं, इनको भी खुश कर लेते हैं, उनको भी खुश कर लेते हैं। और दुर्भाग्य की बात है कि हमारे समाज का एक बहुतेरा वर्ग जब शादी विवाह में या अन्य क्रियाकांड होते हैं तो उसमें कहता है कि नहीं, राज्य की पूजन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, देवी देवताओं की और नगरों की पूजा करता है। उसका कहना यह होता है कि राज्य तो आत्मा के सुख के लिए है। इन संसारी कामों में हमें देवी देवताओं की पूजा करने में कोई दोष नहीं, लेकिन ये सबसे बड़ा अपराध है। जब तक भूली नींद में तब तक नहीं दोष, जब जागी है किलवी भूली सी अफसोस। वाणी के ज्ञान के प्रकाश से जब आत्मा जागृत हो जाती है तो राज्य को छोड़कर किसी अन्य की पूजा करती है तो इससे बड़ा पाप और कोई नहीं। पति पत्नी के सारे अपराधों को क्षमा कर सकता है, लेकिन उसके प्रेम में जो दरार पड़ती है उसको सहन नहीं कर सकता। उतरते अरवाहों सो हके कया अलस्तो बेरब को। राज्य ने केवल एक ही बात पूछी थी, ये तो नहीं कहा था कि तुम शराब पीने लगोगे, तुम मांस खाने लगोगी। सबसे बड़ा अपराध क्या है? तुम मुझे भूल नहीं जाना। सखियों का उत्तर क्या था? वले न भूले हम, राजी हम आपको भूलेंगे नहीं। और यदि वाणी मिल गई है और हम कह रहे हैं कि नहीं, शादी विवाह में तो नौकरों का ही पूजन करना होगा, गणेश का ही पूजन करना होगा। पहली बात तो यह है कि जो वेद को मानते हैं वो कभी भी गौरी गणेश को, नौकरों की, शनि की, राहु की, केतु की पूजा नहीं करते। सब आडंबर है। शनि नाम का कोई देवता है ही नहीं, ये तो पिक्चर वाले सीरियल बनाकर भोली भाली जनता को गुमराह कर रहे। शनि, सूरज पश्चिम में उग सकता है लेकिन शनि नाम का कोई देवता नहीं है, ये झूठी मनगढ़ंत कहानी है। और सारा हिंदू समाज
शनि नाम के देवता की कहानी गढ़ करके तेल गिराता है कि शनि देवता खुश हो जाएंगे। शनि तो बेचारा ग्रह है, आकाश में घूम रहा है, मनुष्य के सुख या दुख से उसका क्या लेना देना। राहु और केतु कोई ग्रह नहीं है, ये तो दो राशियां दो बिंदुओं पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। उन बिंदुओं को ये राहु और केतु कहते हैं। इन ज्योतिष वालों को तो ग्रह ज्योतिष विद्या का भी पूरा ज्ञान नहीं है। चंद्रमा को ग्रह मान लिया है, सूर्य को ग्रह मान लिया है। सूर्य तो नक्षत्र है, चंद्रमा उपग्रह है, वो ग्रह कहां से हो गया। जल पदार्थ की पूजा के लिए वेद में कहीं निर्देश नहीं है, वेदांत में, गीता में, उपनिषद में कहीं निर्देश नहीं है। वैदिक ग्रंथों में तो कहा है यो अन्याम देवताओं पास्ते सहन वेद यथा बसवी एव देवानाम। जो एक परमात्मा को छोड़कर अन्य किसी की उपासना करता है वो विद्वानों में पशु के समान है। वेद कहते हैं न त्वामान अन्यो न पार्थिवो न चतो न जिनस्ति। हे परमात्मा, तुम्हारे समान न कोई था, न है और न कोई होगा। वेद में कितने मधुर शब्दों में कहा गया है वयम तो हम तुम्हारे हैं और तुम अस्माकम, तुम हमारे हम तुम्हारे। एक परमात्मा की आराधना, एक परमात्मा से अटूट प्रेम सबके लिए बताया गया है, लेकिन मनमानी झूठे ग्रंथ बना दिए गए, पुराणों में किस्सा कहानियां गबोड़े भर दिए गए। कोई शिव का भक्त बना, कोई राम का, कोई हनुमान का, कोई गणेश का, कोई देवी का, कोई नवग्रहों का, कोई शनि जैसे काल्पनिक देवता का। ये कोरा भ्रम है और इसी भ्रम का शिकार सारा देश बनता जा रहा है हिंदू समाज, क्योंकि अशिक्षा से ग्रसित है। अब ब्रह्म सृष्टियों की रक्षा में कौन लगे हैं? पंच वासना देव जहां खड़े वहां कोई क्या कर सकेगा। हमको विश्वास ही नहीं होता कि राज्य हमारे साथ है। राज्य क्या कहते हैं, मैं रह न सकूं रूहों बिन, रूहे रह न सके मुझ बिन, जब पहचान हो वे वाको तब सही न बिछुआ के। ब्रह्म सृष्टि को जब पहचान हो जाएगी तो एक क्षण भी राज्य से अलग नहीं होगी। जो अपने को अलग समझता है कि राज्य हमसे दूर है वही बहुत बड़ी भ्रांति में है, और इसलिए क्योंकि राज्य को हम अपना नहीं मानते। हम किसको अपना मानते हैं? हम अपने पति को अपना मानते हैं, पत्नी को अपना मानते हैं, बच्चों को अपना मानते हैं, पिता को अपना मानते हैं, भाई बहनों को अपना मानते हैं। राज्य ही एक पराये हैं, घर के कोने में बाणी रख देते हैं, सोते समय भी संसार की यादों में सो जाते हैं। आप केवल इतना कीजिए कि सोते समय राज्य को दिल में बसाकर सोइए, सवेरे उठिए तो सारा काम छोड़कर केवल राज्य को याद कीजिए, फिर देखिए आपको 24 घंटे ये एहसास होगा कि राज्य पल पल हमारे साथ है। एक पल के लिए भी न कभी दूर हुए न कभी होंगे। अपनी आंखें बंद कर अपने दिल के कोने में देखिए, युगल स्वरूप की मोहिनी मूरत आपके हृदय कमल में बसी हुई दिखाई देगी। इतना ऊंचा ज्ञान हमारे पास है, लेकिन हमने इसको कुछ नहीं फैलाया, और परिणाम यह हुआ कि सारा हिंदू समाज ईंटों और पत्थरों की पूजा में लगा है। और दुर्भाग्य से हमारे समाज में भी अब पत्थर पूजा शुरू होने जा रही है, राधा कृष्ण की मूर्तियां बननी शुरू हो गई है, और हो सकता है समाज का एक वर्ग इसको पधराना भी शुरू कर दे। जहां तक कुछ शुरुआत भी हो गई है, कुछ मंदिरों में राधा कृष्ण की मूर्तियां भी पधराई जा चुकी हैं, क्या होगा? पूजने के लिए वाणी थी, ग्रंथ पूजा मध्यमा अधमा मूर्ति पूजा, मानसी पूजा को सर्वोपरि कहा गया। लेकिन आज जब राधा कृष्ण की मूर्तियां बनाई जाएंगी तो उसमें प्राण प्रतिष्ठा भी करनी पड़ेगी। जैसे प्रवाही कर रहे वैसे ही हमने कर दिया। वाणी कहती है बड़के हमारे कदीम के पूजत आए ए, आग पानी पत्थर है पर रब बाप दादू का जी। राधा कृष्ण की मूर्ति किसकी बनेगी? या तो मिट्टी की बनेगी, या पत्थर की बनेगी, या धातुओं की बनेगी। और इसको कौन चलाना चाह रहा है? जो समाज के सबसे बड़े आगेवान है, जो वाणी ने मना किया है कि मूर्ति पूजा नहीं करना, आज हम वही करते जा रहे हैं। मूर्ति पूजा को सब कुछ मानते हैं, ये मूर्ति पूजा, गादी पूजा, अब तो खड़ाऊ पूजा भी होने लगी है, खड़ाऊ के भी मंदिर बनने लगे, वृक्षों की पूजा हम करते हैं, आखिर क्या नहीं होता है? महापुरुषों की समाधि पर सम्मान रखना चाहिए, लेकिन समाधि पूजा तो चल ही रही थी, अब खिचड़ा वृक्ष की भी पूजा, उसकी आरती, उसका भोग, कितना अंधविश्वास चल पड़ा है, न जाने आने वाले समय में अभी क्या चलेगा। एक वाणी के सिवा किसी का भी पूजन नहीं होना चाहिए। हाँ,
जो संत महापुरुष हैं उनके फोटो को आदर पूर्वक रखिए स्मृति के रूप में, लेकिन ध्यान में केवल युगल स्वरूप को बसाइए। जब तक युगल स्वरूप आपके धाम हृदय में नहीं बसेंगे तब तक आपकी आत्मा जागृत नहीं हो सकती है। सारी शक्ति लगाकर थक जाता है लाभानंद यति, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाता, अंत में निराश होकर के बैठ है। सारी शक्ति लगा करके भी जब कुछ बिगाड़ नहीं पाता तो कमजोर का क्या हथियार है? मौनम। मूर्खाणाम बलम मौनम। सोचता है कि मैं जान में जीत सकता नहीं, शक्ति में भी जीत नहीं सका, अब एक ही तरीका है कि मैं मौन व्रत धारण कर लूं तो मेरी इज्जत बच जाएगी। और यही करके मौन व्रत धारण कर लेता है, बोर्ड लगा देता है कि मैं अनिश्चित काल के लिए मौन व्रत में हूं, कोई मेरे से बात नहीं करे। फिर श्री जी अब उसके पास क्यों जाए? अब सारी जनता ने देखा, मेरठ की जनता ने, अब तो लाभानंद मौन व्रत में चले गए, यही सुनहरा अवसर है कि हम श्री जी के पास जाकर अमृत चर्चा सुन सकते हैं। टिड्डी दल की तरह सुंदर साथ की जमात आने लगती है चारों तरफ से और जागने का दौर चल पड़ता है। 4 महीने श्री जी मेरठ में रहते हैं और बाणी चर्चा के प्रभाव से सबकी जागृति होती है। राजा राम झांझन भाई मकरंद का परिवार जागृत होता है। ये वो सुंदर साथ हैं, जब तक दुनिया रहेगी उनकी सेवा का नाम अमर रहेगा। सेवा किसके अंदर आती है? जिसके अंदर भाव होता है। राजा राम झांझन भाई को पहचान हो गई है वाणी के द्वारा। जब श्री जी के मुखारविंद से अखंड परमधाम ब्रज और रास की चर्चा सुनते हैं तो उनकी आत्मा जागृत हो जाती है, अपना तन मन धन सब कुछ श्री जी के चरणों में सौंप देते हैं। उनके कारखाने चल रहे होते हैं, कंबल वगैरह बनाए जाते हैं, सारी चाबी श्री जी के चरणों में रख देते हैं। श्री जी कहते हैं कि ये मैं क्या करूंगा, ये आप रखिए और परिवार का खर्च निकालने के बाद जो भी धनराशि बचती है उस धनराशि को सुंदर साथ की सेवा में भेजते रहिए। पन्ना जी पहुंचने तक 5,000 की जो जमात पन्ना जी में पहुंचती थी, श्री जी जब मेरठ में पहुंचते थे संवत 1733-34 का समय था, उस समय तक से लेकर 1743 के लगभग 42-43 तक यानी 10 सालों तक कम से कम दिन सारी सेवा का बोझ राजा राम और झांझन भाई के परिवार ने उठाया। आज तो हम एक दिन की सेवा देते हैं तो कितना बोझ महसूस करते हैं, वो भी 500 को यदि भोजन दिलाना हो, 2,000 को दिलाना हो, तो 5,000 की जमात को 10 सालों तक सारा खर्च उठाना। पैसे तो जब आप किसी महान उद्देश्य के लिए निकल पड़ते हैं तो सारा कार्य राज्य को करना होता है। गोवर्धन उठाने के समय क्या था? उठाया तो उन्होंने था और सबको कह दिया कि ग्वालो तुम अपने डंडे लगा दो नहीं तो ये कहीं गिर जाएगा। गिरना तो था नहीं, राजा राम और झांझन भाई ने अपना सौंप दिया सब कुछ सुंदर साथ की जागनी में, इसलिए उनका धन भी दिन दोनी रात चौगुनी बढ़ने लगा। जितनी सेवा करते गए उतना ही उनका धन बढ़ता गया। कीर्तन में प्रकरण आता है, मोमिन लिखे मोमिन को कहो तो अवेद, हाय हाय अचरे देखो मोमिनो ये समय कैसा हुआ सकत। जब श्री जी पन्ना जी में विराजमान हो जाते हैं तो राजा राम और झांझन भाई पत्र लिखते हैं धामधनी के पास कि यदि आपकी सुकृति हो तो हम भी आकर के चर्चा वाणी का आनंद लें, क्योंकि सारी सेवा छत्रसाल जी ले चुके होते हैं। उसी संदर्भ में किरंतन उतरता है, कहने का भाव क्या है कि राजा राम और झांझन भाई की सेवा की उपमा किसी से नहीं दी जा सकती। सबकी सेवाओं की अलग अलग विशेषता है। लालदास जी की सेवा तन मन नछावर कर दिया, धन तो सारा माया ने ले लिया था। लालदास जी जब सेवा में समर्पित हुए तो उनके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने तन का रोम रोम राज्य के लिए सौंप दिया। उनकी बुद्धि उनका मन सब कुछ राज्य के लिए समर्पित हो गया। राजा राम और झांझन भाई ने जो अर्थोपार्जन
अर्थ का उत्पादन किया, अर्थोपार्जन किया और सुंदर साथ की सेवा के नाम पर किया, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की भावना से नहीं। इसको कहते हैं निष्काम कर्मयोग। सब कुछ कर रहे हैं लेकिन कोई स्वार्थ भावना नहीं है, और यही चीज हमें माया के महासागर से पार निकालती है। बैठते में रहते हुए एक विशेष घटना घटी थी। एक उनकी बेटी थी राजा राम की, जो संभवतः कुबड़ी थी। श्री जी स्नान कर रहे थे, छोटी सी बालिका तो नहीं थी, किशोरावस्था में प्रवेश कर चुकी थी। श्री जी ने पानी का छिट्टा उसके ऊपर फेंक दिया और वो पल भर में ही सर्वांग सुंदरी बन गई। मैंने थोड़ी देर पहले भी मन की शक्ति के बारे में कहा था। अनेक परमहंस भी इस तरह की चमत्कारी क्रियाएं कर देते हैं। परमहंस महाराज श्री रामचंद्रदास जी ने भी, काशीपुर की एक बहन थी अमरलाल सेठी जी के नजदीक के रिश्ते में लगती है, उन्होंने भी पीठ पर थपकी देकर उसको उसके पीठ के कुबड़पन को दूर कर दिया था। और ब्रज की लीला में सबको मालूम है कुब्जा के पीठ के कुबड़पन को श्री कृष्ण जी ने दूर किया था। वही अक्षरातीत कावेश से महामती जी के धाम हृदय में लीला कर रहा है। उनकी उनके पानी के छींटों के स्पर्श मात्र से ललिता सर्वांग सुंदरी बन जाती है, और तब यह किरंदन उतरता है, वारी रे वारी मेरे प्यारे मैं तुम पर वारी। ललिता को पहचान हो जाती है कि ये कौन है। पूर्ण ब्रह्म वही सच्चिदानंद अक्षरातीत है, और मेरी आत्मा को जगाने के लिए इस रेतीली धरती पर आए। जब उनके स्वरूप की पहचान कर लेते हैं तो मुख से यही स्वर फूटते हैं, कोट बेर ललिता कुर्बानी मेरे धनी जी कायम सुखकारी। एक दो बार नहीं, करोड़ों बार रोम रोम अपना सौंप दिया ललिता ने उस अक्षरातीत के ऊपर, और सेवा करते करते श्री जी के चरणों में पन्ना जी में अपना तन छोड़ा। ये ललिता का त्याग है, क्योंकि ललिता ने महामती जी के धाम हृदय में बैठे हुए युगल स्वरूप की पहचान कर ली थी। इन जहर जिमी से कोई न निकस्या अमल चढ़े अति भारी, मुझे देखते सैयल मेरी कहियो जीत के बाजी हारी। ज्ञान का प्रकाश है, प्रेम नहीं है तो जीती हुई बाजी हार देता है। ललिता को कुछ ज्ञान का प्रकाश नहीं था, प्रेम से उसने पहचाना कि ये पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद अक्षरातीत आए हैं, मेरी आत्मा को जगाने के लिए आए हैं। और जैसे ही पहचान हुई अपना जीवन निछावर कर दिया सेवा करते करते। अष्टपद की बीतक में वर्णन आता है कि ललिता प्रतिदिन श्री जी के सामने आती है और उनको रिझाती है। निदान 200 सुंदर साथ ने लगभग तारतम लिया था बैठते के अंदर, क्योंकि लाभानंद अति के मौन व्रत के कारण सबको छूट मिल जाती है। वाणी का जो प्रवाह चलता है उसमें पूरा मेड़ता नगर अध्यात्म की गंगा में स्नान करने लगा। समय बीतता जाता है। एक दिन श्री जी जा रहे होते हैं शाम का समय। मुल्ला ने बांग दी, ला इलाहे इल्ला मोहम्मद रसूल अल्लाह। श्री जी उसको सुनने लगे कि कह क्या रहा है। ला तो कहिया नाही को, इला तो है हक। ये तो अक्षर अक्षरातीत की बात बड़ी मुजरक, ये क्या कह रहा है। ला का तात्पर्य है छर, इला किसको कहते हैं जो नष्ट ना हो, यानी अक्षर। इल्ला कौन है, अक्षरातीत। जिसको छर अक्षर अक्षरातीत हिंदू धर्म ग्रंथों में कहा गया है वही तो कलमा के अंदर ला इला इल्ला कहा गया है। ये तो भाषा भेद है, संसार शरीयत के नाम पर लड़ रहा है। वास्तविक ज्ञान का प्रकाश हो जाने के बाद ये भेद मिट जाना चाहिए। आज देखा जाए तो सारे संसार में आतंकवाद हावी है। क्यों? मुस्लिम समाज ये मानता है कि केवल हम ही सच्चे हैं, वो धर्मांतरण के लिए सारे हथकंडे बनाते हैं। इसी तरह से क्रिश्चियन धर्मांतरण के लिए सारे हथकंडे बनाते हैं। वो सोचते हैं कि दुनिया में केवल हमारा ही धर्म रहे और सब धर्म ना रहे। मुस्लिम भी सोचते हैं कि केवल इस्लाम रहे और अन्य कोई धर्म ना रहे, वो सबको काफिर मानते हैं। सबसे बड़ी भूल ये होती है, जिन कोई झगड़ो आप में धनी समूह का एक, सारी सृष्टि का परमात्मा तो एक है।
भाषा अलग अलग है, वेशभूषा अलग है, रूप रंग अलग अलग हो सकते हैं जलवायु के अनुसार, लेकिन इस पृथ्वी तो क्या असंख्यों पृथ्वियों के ऊपर जितने प्राणी रहते हैं सबका परमात्मा केवल एक होता है। इसलिए कुरान की आयत में कहा गया रब्बिल आलमीन, यानी सारे ब्रह्मांडों का स्वामी केवल एक परमात्मा है। वेद में कहा है इंद्रो विश्वस्य राजत, विश्वस्य राजत सबका स्वामी कौन है, केवल एक परमात्मा, सोई खुदा सोई ब्रह्म। लेकिन आज दुनिया क्या समझती है, किसी ने दाढ़ी लगा ली, किसी ने चोटी बढ़ा ली, किसी ने ये जो पैंट पहन लिया तो किसी ने तावीज पहन लिया और किसी ने क्रॉस पहन लिया। वाय प्रतीकों को ही सबने धर्म मान लिया है। धर्म तो आत्मा का विषय है, परमात्मा आत्मा का विषय है, उसको किसी वेशभूषा या क्रियाकांड के बंधन में नहीं बांधा जा सकता। मंदिर मस्जिद और गिरजाघर की दीवारों का बंधन परमात्मा को नहीं बांध सकता। यदि मनुष्य केवल मानव धर्म को समझ ले कि मानव धर्म क्या कहता है, विश्व धर्म क्या है, तो वो सांप्रदायिकता के बंधन से निकल जाए। संप्रदाय एक विचारधारा होती है, सांप्रदायिक विचारधारा में संसार को नहीं बांधा जा सकता। वैश्विक धर्म क्या है, मानव धर्म क्या है, धर्म तो शाश्वत है, जब सृष्टि नहीं थी तब भी धर्म था, जब सृष्टि नहीं रहेगी तब भी धर्म रहेगा। इसलिए अंतर बैठे हुए राज्य का आवेश महामती जी की आत्मा में उस ज्ञान का प्रतिकरण करता है कि सारे संसार को एक करने के लिए वेद और कदेव को एक करना होगा। साहेब इंजमी करने कारती सो सबका झगड़ा मेट के, यह दुनिया यदि मेटर लड़ाई बंधन की, दूजे जादे पैगंबर धनी आए वेद कतेब छुड़ावने, ये तीन बातें चित में धर। तीन कार्य करना है, मेटन लड़ाई बंधन की, जो किस हिंदू और मुस्लिम के अंदर ये भावना भरी हुई है कि हम किस मार्ग को पाए, ये समाप्त करना है। दूजे जादे पैगंबर, पैगंबरी का झगड़ा यानी गद्दी का झगड़ा, सारे संसार में गादीवाद चल रहा है आजकल। मुस्लिम पंथ में भी जितने फिरके हो गए हैं उनमें भी कोई ना कोई खानदानी गद्दी, अमुक फिरके के ये प्रमुख है, अमुक फिरके के ये प्रमुख है। इस्लाम में भी गादी परंपरा है और हिंदू धर्म में भी गादी परंपरा बन गई है, जबकि 2000 साल पहले 1500 साल पहले इस देश में कहीं भी गादी परंपरा नहीं थी। ज्ञान की प्राथमिकता थी, त्याग तप वैराग्य की प्राथमिकता थी, जो सत्य होता था उसको अंगीकार किया जाता था। लेकिन आज चाहे क्रिश्चियन मत क्यों ना हो, पोप तो सारे क्रिश्चियन मत की सबसे बड़ी गादी पर बैठे हैं। इसी तरह से इस्लामिक जगत में भी खलीफा हो या अलग अलग फिरकों के अलग अलग जो गुरु हैं वो गादी का स्थान लिए हुए हैं। हिंदू समाज में चारों शंकराचार्य भी गादीपति के रूप में हैं, या किसी भी पंथ में जाकर देखा जाए कोई ना कोई व्यक्ति विशेष किसी स्थान विशेष पर सिंहासन को सुशोभित करता है और उसकी बात को प्राथमिकता दी जाती है बनिस्बत धर्म ग्रंथों के। सत्य पर्दे में चला जाता है और व्यक्ति विशेष की बातों को इतनी महत्ता दे दी जाती है जैसे वही सर्वोपरि हो। श्री जी के अंदर वही ज्ञान प्रतिकरण होता है कि आखिर इस तरह का ज्ञान लाने वाला कौन है। अंदर से आवाज आती है कि जब परमधाम में रब्द हो रहा था उस समय अक्षर की आत्मा को भेजा अरब के अंदर, क्योंकि जब सबके ऊपर फरामोशी है तो ये ज्ञान कौन लेकर आ सकता है। हुक्म लेकर आया तब नाम धराया गैन, हुक्म बजाए पीछा फिरिया तब सोई एन कैन। हुक्म लेकर कौन आता है, वही आत्म अक्षर ज्योतिषनी था जो ब्रज रास में श्रीकृष्ण के रूप में लीला कर चुकी है और गुरु ग्रंथ साहब में भी इसकी साक्षी है। पार जात गोपीले अय्या वृंदावन में ही रंग किया, कल में ही वेद अथर्वण हुआ नाम खुदाई अल्लभु भैया। यानी जो ब्रजराज में लीला करने वाला है वही नीले कपड़े वस्त्र पहने तुर्क पठाड़ी अमल किया। नीले वस्त्र को धारण करने वाला कौन है, यानी वो मोहम्मद साहब के रूप में आए। कहने का तात्पर्य क्या है, प्रकाशवाणी में स्पष्ट कहा है
पीव पांच बेर माया मिने क्यों कर डरिया। पांच बेर हमारे लिए तन धारण करते हैं, ब्रज में, रास में, अरम में, श्री देवचंद जी के रूप में और श्री प्राणा जी के स्वरूप में। श्री महामती जी के धाम हृदय में इस अलौकिक ज्ञान का प्रकटीकरण होता है कि अक्षरातीत का जो से अक्षर की आत्मा के साथ हुक्म के स्वरूप में अरब में आता है तो अपने को ग्रहण करता है, यानी पराया बनकर कि मैं अल्लाह का रसूल हूं और दुनिया वालों मैं अल्लाह के आने की खुशखबरी देता हूं कि जब क़यामत का समय आएगा 11वीं सदी में अल्लाह ताला अपनी उम्मत के साथ इस फानी दुनिया में आएंगे। और तभी कुरान की आयत में कहा गया कि इन्ना इंजुलना हो फिर लैलतुल कद्र मावतर का, यानी वो हजार महीने से बेहतर रात्रि है जिसमें रूहें और फरिश्ते अपने परवरदिगार के हुक्म से इस फानी दुनिया में उतरते हैं। ब्रह्म सृष्टियों के आने का तात्पर्य क्या है? संसार के ग्रंथों में, हिंदू ग्रंथों में विशेष रूप से साक्षी थी, लेकिन कुरान पक्ष के ग्रंथ कते परंपरा के ग्रंथों में कोई साक्षी स्पष्ट रूप से नहीं थी। बाइबल में थी लेकिन वो भी संकेतों के रूप में इतनी सूक्ष्म रूप में थी कोई जान नहीं पा सकता था। इसलिए स्पष्ट दावे के साथ ये कहना कि अरबों सो ऐसा गया कागद ए परवान आसी रब आलम का तब खोल सी कुरान। जब अल्लाह ताला आएगा इमाम मेहदी के रूप में तब कुरान के सारे बातिनी भेदों को स्पष्ट करेगा और वो स्वरूप होगा जब क़यामत का दौर चल रहा होगा। कुरान की एक आयत में स्पष्ट कहा गया है कि अल्लाह क़यामत के दिन तुम अल्लाह का दीदार करोगे। वो अल्लाह का कैसे दीदार होगा? तारतन इनमें लदुनी तारतन ज्ञान के प्रकाश में, और वही वक्त क़यामत का चल रहा है जब श्री जी बांग की आवाज सुन लेते हैं और तब उनके अंदर ये ज्ञान का प्रतिकरण होता है। इत मोहम्मद को मिल चले तब अहमद पाया खिदा, ईसा और मोहम्मद मिले मारे तज्जाल सिदा। यहां क्या होता है? मोहम्मद आया इसे मिले तब अहमद हुआ श्याम, ईसा रू अल्लाह का ये दूसरा जमा चल रहा है। मोहम्मद आया इसे मिले तब अहमद हुआ श्याम। श्याम किसको कहते हैं? जो राजी ने जो तंदर किया है। अक्षर की आत्मा जो अरब में मोहम्मद के रूप में जाहिर हो चुकी है वही आत्म अक्षर प्रवेश करती है और उस दिन से दोनों धाराओं का ज्ञान उस तल में प्रकट हो जाता है। जैसे यहां लो इसे का इलम, यहां लो इसे का इलम का तत्पर क्या है? तारतम ज्ञान का प्रकाश चल रहा था केवल हिंदू धर्म ग्रंथों के माध्यम से क्षर अक्षर अक्षर अतीत की पहचान कराई जा रही थी। अब कते परंपरा का भी ज्ञान आ गया तो क्या कहते हैं? मोहम्मद आया इसे मिने तब अहमद हुआ श्याम, अहमद मिल्या मेहदी मिने ये तीनों मिल भये इमाम। ईसा रुअल्लाह के दूसरे जामे में मोहम्मद आया यानी अक्षर की आत्मा प्रवेश करती है तो इस स्वरूप को क्या कहते हैं? अहमद। अहमद मिल्या मेहदी मिने, और जब इंद्रावती की आत्मा जिनको महामती कहते हैं उनके साथ उनका मिलन होता है तो इसको कहते हैं इमाम। मोहम्मद आया इसे मिने तब अहमद हुआ श्याम, अहमद मिल्या मेहदी मिने ये तीनों मिल भये इमाम। इमाम किसको कहते हैं? जो ब्रह्म सृष्टियों का नेतृत्व करें, ब्रह्म सृष्टियों की इमामत करें। इसमें तीन सूरते हैं, मोहम्मद, अहमद और मेहदी। मोहम्मद कौन? बसरी सूरत। अहमद कौन? मलकी सूरत। और मेहदी कौन? हकी सूरत। मोहम्मद, अहमद, मेहदी। मोहम्मद हुआ मेहदी, अहमद कहलाया सही, खिताब दिया जब घस में तब भेले इमाम भाई। मोहम्मद जो अव्वल का मोहम्मद था इस जागरी प्रमाण में क्या कहलाया? मेहदी। मोहम्मद हुआ मेहदी, अहमद कहलाया सही, मलकी सूरत के साथ जब वो जुड़ता है मोहम्मद तो उसको कहते हैं अहमद, यानी मलकी सूरत। मोहम्मद, अहमद, मेहदी कहिए, बसरी, मलकी, हकी कहिए, अलिफ लाम मीम कहिए या सतचित आनंद कहिए। बसरी सूरत के रूप में कौन है? अक्षर की आत्मा सतन। अल्लाह कहया मोहम्मद को
रू अल्लाह ईसा नाम मीम मेहदी पाक से ये तीनों एक है, अलग अलग तीनों एक है, यानी तीनों एक अद्वैत परम धाम में विराजमान राज्य के अंग है। अल्लाह कौन है? मोहम्मद यानी सत्तंग अक्षर की आत्म। रू अल्लाह ईसा लाम, लाम कौन है? सतगुरु धनिष देवचंद जी जिनके अंदर श्यामा जी की आत्मा है। मीम कौन है? मीम मेहंदी पाक से यानी चितगण स्वरूप श्रीराज जी। मोहम्मद अहमद मेहदी अलफ लाम मीम या बसरी मलकी हकी सत चित आनंद कुरान के पहले पारे में ये तीन हरफ मुक्तियात के अक्षर लिखे हैं, अलिफ लाम और मीम। इसका भेद कोई नहीं जानता है। इसका तात्पर्य यह है सत चित आनंद जिसको हम हिंदू धर्म ग्रंथों में कहते हैं उसी के संकेत में अलिफ लाम और मीम लिख दिया गया है। कुरान में 12 हरफ मुक्तियात हैं और काफी के अर्थ लगभग मैं समझता हूँ सभी हरफ मुक्तियातों के अर्थ क्रंथन की टीका में प्रकाशित कर दिए गए हैं। ऐन और गैन का भी मैंने कहा, गैन का होता है पराया, ऐन का मतलब सोई ऐन का ऐन, यानी जब अक्षर की आत्मा अपना कार्य करके परम धाम में अपने मूल तन में प्रविष्ट हो जाती है तो सोलीला अद्वैत वैदत श्रीराज जी के जो पांच अंग स्वरूप है राजी श्यामा जी सखिया अक्षम ब्रह्म और मां लक्ष्मी ये पांचों अद्वैत एक ठोर तो सोई एन का एन बन गए। लेकिन इस दुनिया में जब आए तो दुनिया को उपदेश देना है नाटक की लीला में, वो भी पूरी पूरी रात जगते हैं, नमाज पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं ताकि दुनिया एक अल्लाह ताला पर सिजदे में जाए। यदि वो अपने ऊपर ही पूजा करवा लेते तो क्या होता, शरीर पूजा शुरू हो जाती। इसलिए महामती जी ने भी क्या कहा गया, महामती जी ने भी क्या कहा, अर्श बका पर सिजदा कराओ सी इमाम, सबको कहा कि सब सुंदर साथ परम धाम में इबल स्वरूप का ध्यान करें। ये ठीक है कि अपने मेहर की छाव तले उन्होंने अपने धाम हृदय में ही इबल स्वरूप को सबको दिखा दिया, लेकिन संसार को जो राह दिखाई जाती है वो एक आदर्शों पर आधारित होती है, अन्यथा समाज के भटकने में जरा भी देर नहीं लगती। जहाँ व्यक्ति पूजा, शरीर पूजा, गादी पूजा, मूर्ति पूजा, फोटो पूजा सब कुछ चल गया और तो और खड़ाऊ पूजा, वृक्ष पूजा भी चल गई, फिर मूल स्वरूप कहाँ रह जाते हैं? आत्मा जागृत होगी केवल युगल स्वरूप के ध्यान से। किसी परमहंस पर आपकी आस्था है तो परमहंस के हृदय कमल में विराजमान युगल स्वरूप को ही देखिए। गुम्बर जी भी जाइए तो युगल स्वरूप को देखिए। बाघों से आपका क्या लेने देना, बांसुरी रखी है या नहीं रखी है उससे कोई लेने देना नहीं। गुमर जी में मत्था टेकिए, बंगला जी में मत्था टेकिए तो ये भाव लेके रखिए कि परम धाम के युगल स्वरूप यहाँ विराजमान है। अपनी आत्मा में भी ध्यान कीजिए तो ये भाव रखिए कि युगल स्वरूप हमारे धाम हृदय में विराजमान है। उठते बैठते सुपन सो जागृत दम न छोड़े मासूम को जाके असल हक निस्वत। अब श्री जी यहां से प्रस्थान करते हैं क्योंकि औरंगजेब धर्म के नाम पर जुल्म सितम ढा रहा होता है। औरंगजेब के अत्याचारों को सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं क्योंकि औरंगजेब भी चाहत रखता है कि कैसे मुझे इमाम मेहदी से मिलन हो और इमाम मेहदी की खोज में बड़े से बड़ा गुनाह करने के लिए तैयार रहता है। अब श्री जी सब सुंदर साथ को कहते हैं कि देखो भाई सुनियो भीम मुकंद जी उद्धव के समस्याम हम पाती पड़ी मोहम्मद की पाई हकीकत धाम। अब मेरे अंदर कतई परंपरा का ज्ञान अवतरित होने लगा है। औरंगजेब को चल करके समझाना होगा कि औरंगजेब तुम जो ये कार्य कर रहे हो ये नितांत अपराध है। यहां से दिल्ली प्रस्थान करने से पूर्व श्री जी गोवर्धन दास जी को अटक पार भेज देते हैं जसवंत सिंह को जागृत करने के लिए, लेकिन जसवंत सिंह जागृत नहीं हो पाते हैं। इसकी भी काफी रोमांचक घटना है। एक बार औरंगजेब के दरबार में एक बहुत बड़ा केसरी सिंह किसी शिकारी ने लाकर के भेंट में दिया था। वो सिंह इतना भूखा था, इतना भयंकर था और दहाड़ रहा था कि औरंगजेब ने दावे से कह दिया कि पूरी दुनिया में इससे बड़ा भयंकर शेर नहीं है। जसवंत सिंह सुनते रहे, औरंगजेब की इस बात को सुनकर उन्होंने कह दिया
कि मेरे पास इससे भी बड़ा शेर है। औरंगजेब को बुरा लगा कि ये राजपूत बहुत टेढ़े होते हैं, चुनौती के खिलाफ जरूर बोलते हैं। औरंगजेब ने कह दिया कि देखो जसवंत सिंह, तुमने भरे दरबार में कहा है कि मेरे पास इससे भी बड़ा शेर है, तो तुम अपना शेर लाओ। यदि तुम्हारा शेर हार गया तो तुम्हारी गर्दन कटवा दी जाएगी। जसवंत सिंह ने स्वीकार कर लिया। अगले दिन अपने 13 वर्ष के बच्चे पृथ्वी सिंह को ला दिया जसवंत सिंह ने। औरंगजेब देखकर के हैरान था कि 13 साल का बच्चा और मेरे इतने बड़े बबर शेर। बबर शेर केवल गुजरात में होते हैं, पूरे देश में चले जाइए बाघ तो मिलेंगे। बाघ अलग है, तेंदुआ अलग है, चीता अलग है, सिंह या जिसको बबर शेर कहते हैं वो केवल गुजरात में होता है। बबर शेर को छोड़ा जाता है। पृथ्वी सिंह ने अपनी तलवार निकाली, खुले मैदान के अंदर सारी सभा बैठी है, औरंगजेब भी बैठा है, जसवंत सिंह भी बैठे हैं। जसवंत सिंह ने कहा कि बेटे इसके पास तलवार नहीं है, तुम तलवार फेंक दो। शेर उधर से दहाड़ता हुआ छलांग लगाता है और तलवार और पैंतरा बदलकर पृथ्वी सिंह ने उसका वार बचा लिया। दोबारा जब आता है तो दोनों पंजों को और जबड़े को पकड़ लिया पृथ्वी सिंह ने और भरी सभा के बीच में देखते देखते जबड़ा पकड़कर चीर डाला, दो टुकड़े कर डाला। औरंगजेब कांप गया कि 13 साल का बच्चा इतने बड़े बबर शेर को चीर कर दो टुकड़े काट कर सकता है, तो एक दिन ये मेरी सल्तनत को समाप्त कर देगा। उसी रात उसने षड्यंत्र रचा और काबुल भेज दिया। काबुल पठानों के विद्रोह को दमन करने के नाम पर जसवंत सिंह को भेज देता है। जैसे वे उधर जाते हैं, इधर पृथ्वी सिंह को रात को में भोजन में जहर दे देता है। पृथ्वी सिंह की मृत्यु हो जाती है। इतिहास इस बात की साक्षी देता है, जिस मान सिंह ने अकबर की सत्ता के लिए हिंदुओं का खून बहाया, उसी अकबर ने मान सिंह को भी विष देकर मारना चाहा था, लेकिन जिस विष वाले द्रव्य को मान सिंह को पिलाना चाहता था, धोखे से वही पी गया और अकबर की मृत्यु इसी से हुई। इसी तरह से औरंगजेब ने भी पृथ्वी सिंह को जहर देकर के जैसे ही मारता है, ये सूचना पहुंचती है काबुल और जसवंत सिंह को हृदय रुक जाता है, हृदय गति रुक जाती है सदमे से और उनके भी प्राण छूट जाते हैं। इधर जसवंत सिंह की दो रानियां दिल्ली में रह रही थी। उस समय देश के प्रमुख राजपूत राजाओं की पत्नियां भी दिल्ली में रहा करती थी, जैसे आजकल सभी प्रांतों के ये भवन बने होते हैं, जैसे दिल्ली में उत्तर प्रदेश भवन है, मध्य प्रदेश भवन है, हर प्रांत का भवन है, वैसे सभी प्रमुख राजाओं के निवास हुआ करते थे। दुर्गादास नाम का एक वीर जो सेनानी था जसवंत सिंह की सेना में, उसने सोचा औरंगजेब ने कि जो जसवंत सिंह की दोनों पत्नियां हैं उनको भी मैं कब्जे में कर लूं, ताकि उनके जो गर्भ से जो संतान पैदा होने वाली है उनको भी मैं मुसलमान बना दूं, क्योंकि उसको एक ही सनक थी कि सारी दुनिया को इस्लाम के झंडे के नीचे ला देना है और तलवार का प्रयोग करके सबको इस्लाम स्वीकार कराना चाहता था। हाँ, इस्लाम का उसको वास्तविक ज्ञान नहीं था, इस्लाम धर्म वास्तव में है क्या। दिल्ली में आपको विदित है हमेशा खून की होली चलती रही है, दिल्ली की गलियां खून से पट गई। दुर्गादास ने इतनी बहादुरी दिखाई, सारे राजपूत सेना को सावधान कर दिया और तलवार चलाते हुए दोनों रानियों को दिल्ली से निकालकर सुरक्षित जोधपुर पहुंचा दिया। यह घटनाक्रम है। जब अभी श्री जी ने जसवंत सिंह के पास गोवर्धन दास जी को भेजा था, उसमें काबुल वो पहुंचे थे और उन्होंने बहुत चर्चा सुनाई, लेकिन जसवंत सिंह के ऊपर असर नहीं पड़ा क्योंकि उनके दिमाग में कुछ दूसरी बातें घूम रही थी। हाँ, जसवंत सिंह बहुत धर्मनिष्ठ राजा थे, परंतु धर्म का अंकुर न होने के कारण गोवर्धन दास जी की सीख उनको लग नहीं पाई। यदि गोवर्धन दास जी तारतम्य ज्ञान ग्रहण कर लिए होते, उनके अंदर श्री जी की मेहर बस गई होती, तो शायद हादसा नहीं हुआ होता।
ये घटना हमें बहुत कुछ शिक्षा देती है। अब श्री जी सब सुंदर साथ को लेकर आगरे में मथुरा होते हुए दिल्ली पहुंच जाते हैं और औरंगजेब की आत्मा को जगाने के लिए क्या प्रयास होता है, क्योंकि अंदर से राज्य ने कह दिया कि इसी औरंगजेब के अंदर शाकुमार की आत्मा है। सतगुरु धनी श्री देवचंद जी के वचन उनको याद है कि दो परमधाम की प्रमुख आत्माएं, परमधाम में कोई प्रमुख नहीं है, यहाँ लीला रूप में प्रमुखता दी गई है शाकुंडल और शाकुमार की, क्योंकि वहदत के अंदर न कोई छोटा है न कोई बड़ा है। सिरदार की भी बात यहाँ के भावों से समझना चाहिए, परमधाम में कोई सिरदार नहीं है। हाँ, लीला रूप में जरूर कह दिया जाता है कि इस जुत पत्नी में, इस जुत पत्नी को यह सिरदार की शोभा है। शाकुंडल और शाकुमार को जगाने के लिए सदगुरु धर्षदेव चंद जी ने निर्देश दिया था और श्री जी इसी लक्ष्य को रख करके दिल्ली पहुंचते हैं। दिल्ली में कैसे कैसे क्या होता है ये चर्चा सुनेंगे आपका। महामति कहे ए साथ जी, श्री महामति कहे साथ जी, यहाँ लो ईसा का इलाम, यहाँ लो ईसा का इलाम, अब महमत को मिल चला, अब महमत को मिल चला, कहूँ एक दिन आदम, कहूँ एक दिन आदम, कहूँ एक दिन आदम,